नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अंडर 19 विश्व कप 2020 की। जी हाँ, जिसमें फाइनल जो मुकाबला होना है उसमें दोनों टीम्स की जो स्थिति है वो लगभग स्पष्ट हो चुकी है, साफ हो चुकी है। 9 फरवरी को जो मुकाबला खेला जाना है वो इंडिया और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला जाना है। आपको बता दें कि गुरुवार को जो मैच हुआ उसमें बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया और पहली बार उसने अंडर 19 विश्व कप में जगह बनाई है। गुरुवार को खेले गए अंडर 19 विश्व कप 2020 के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर बांग्लादेश ने फाइनल में जगह बना ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए थे। 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 44वें ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया और फाइनल में टीम इंडिया के साथ खेलने के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंची हो। खिताब के लिए अब फाइनल मुकाबला 9 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया 7वीं बार फाइनल में पहुंची है। विश्व चैंपियन टीम इंडिया ने पिछला मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसके खिलाफ ये खिताब जीता था, यानी कि पिछला जो खिताब था वो टीम इंडिया ने अपने नाम किया था। और ऐसे अब तक के अगर हम मुकाबले देखें तो 4 ऐसे मुकाबले हैं जिनमें वो अपने नाम इसे कर चुकी है, लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ है जब टीम इंडिया को फाइनल में ही हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसमें से एक बार तो पाकिस्तान के ही खिलाफ था। अंडर 19 विश्व कप 2020 के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया था। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अभी तक सभी मैचों में जीत दर्ज की है। मौजूदा विश्व चैंपियन टीम इंडिया 4 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। भारतीय टीम ने 2018 में खेले गए अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 4थी बार खिताब जीता था। इसके अलावा भारत को 2 बार फाइनल में हार का भी सामना करना पड़ा। अंडर 19 विश्व कप 2016 के फाइनल मुकाबले में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जबकि साल 2016 में वेस्ट इंडीज ने भारत को हराकर खिताब जीता था। हालांकि इस बार टीम इंडिया काफी मजबूत दिखाई दे रही है और बांग्लादेश को हराकर खिताब जीतने की क्षमता रखती है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स, लेकिन तमाम और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स के साथ लगातार जुड़े रहिए। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे कहती हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ पल पल की अपडेट्स अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए जो भी आपको अपडेट्स चाहिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप बेल बटन भी साइड में जो है उसे दबाएंगे तो।